Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त समीन गोस फिर प्रेजेंट हो गया फ्रेंड्स। आज मैं जो है एक क्लब काइट फाइटिंग ग्राउंड में आया हूँ और ये ग्राउंड बहुत ही बड़ा है। मैं चारों तरफ घूम के दिखा देता हूँ, इसका आर पार देखना बहुत मुश्किल होगा, इतना बड़ा ग्राउंड है। और यहाँ पे जबरदस्त क्लब काइट फाइटिंग हो रही है फ्रेंड्स, बूम 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 करके काइट फाइटिंग हो रही है। और जो काइट फाइटिंग हो रही है, दो टीम जो है, दिल्ली की दो टीमें लड़ रही हैं। इन दोनों टीमों में जो है घमासान युद्ध हो रहा है, आसमान में हो रहा है पतंगों को लेकर के। तो फ्रेंड्स चलिए उनकी जो पेज वगैरह है वो देखा जाए। और आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना, और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करते रहो ताकि मैं आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए प्रेजेंट रहूं। और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लो, और जो बेल है ना, बेल वो छोटा सा बटन है, उसको भी दबा देना ताकि पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपको पता लग जाए कि आप सोमेन घोष ने कोई नई वीडियो अपलोडिंग करी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको जो है कुछ पेज वगैरह दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चौधरी काइट क्लब के मेंबर्स हैं, और थम्स अप कर दीजिए भाई। और मेरे जो है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करने का काम आपका है चैनल को। और मेरा काम है अच्छी अच्छी वीडियो बना करके अपलोडिंग करना, सारे के सारे क्लब काइट फाइटर्स को दिखाना। दिल्ली के बड़े अच्छे अच्छे क्लब काइट फाइटर हैं। मैं फिर से एक बार बोल दूं, इनके काइट क्लब का नाम है चौधरी काइट क्लब, और ये जो है खड़े हुए हैं रंग बिरंगा पहन करके, ये इसके जो है कप्तान साहब हैं। और अच्छा अच्छा सुनील माथुर जी कप्तान है, थम्सअप कर दीजिए। ये हैं, वेरी गुड। चलिए मैं आपको मिलता हूँ और बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ आपकी जीत के लिए। थैंक यू। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है दूसरी टीम बैठी हुई है और उनका मटेरियल देखिए कहाँ तक फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे ये लोग जो हैं दिल्ली छोड़ कर के कहीं सफ़र पे जाने वाले हैं। और अपने साथ देखिए इतने सारे मटेरियल, क्या शौक है, ये इंटरनेशनल शौक कहूँगा मैं आपको इसको बहुत। देखिए अपने साथ ये लोग जो है पतंगे वतंगे सब ले करके चलते हैं। इनके डिब्बे देखिए, डिब्बे ऐसे भरे हुए हैं, माय गॉड, पता नहीं क्या है। मैं तो सोचता था कि शायद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पतंगे वतंगे मेरे पास हैं, लेकिन इनके मुकाबले में तो 10% भी मेरे पास नहीं है। एक इधर भी डिब्बा खोला जा रहा है, जरा खोलिए तो डिब्बे को आप अपना। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है यार। भाई कुछ फ्री व्री में नहीं बांटते क्या आप लोग? मेरे जैसे गरीब आदमी को दे दिया करो यार दो चार पतंगे। कमाल है भाई, कमाल है, हर तरह का। ये जरा मंझे का चरखी दिखाएंगे रेड वाली। वाह क्या है यार, किनके हाथ का बना हुआ है मांझा? ये चरखी भी बड़ी खूबसूरत है। ओहो, एमएम मांझा मेकर भाई साहब, ये बहुत पुराने मांझा मेकर हैं फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, ये बहुत पुराने मांझा मेकर हैं और बरेली के बहुत ही अच्छे मांझा मेकर हैं, बहुत नाम है इनका। और इनके मांझा से कई बार लोगों ने जो है टूर्नामेंट वगैरह जो है काटा है, और ये उन्हीं का ही मांझा है, एमएम मांझा मेकर वालों का है ये मांझा। बहुत खूबसूरत मांझा है फ्रेंड्स। और यहाँ पे भी एक मांझा रखा हुआ है, इसको भी देखता हूँ। ओहो आजम खां, वाह भाई वाह, क्या बात है यार। ये सब आगे गए हैं पतंग लड़ाने के लिए, डिब्बा उब्बा छोड़ के गए हैं। मेरी गाड़ी आज अंदर नहीं आ पाई ग्राउंड के, नहीं तो मैं इनका जो सामान गायब करता आज। बहुत खूबसूरत सामान है इनके पास। ये देखिए फ्रेंड्स, एक और चरखी आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए, ये जो है इदरीस मांझा मेकर के हाथ की बनी हुई है। बहुत अच्छा फंस के भी लड़ता है, चोट का भी पेच लड़ता है, मारधाड़ का भी पेच लड़ता है, हर तरह का पेच लड़ता है फ्रेंड्स इस मांझा से। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा मांझा है। इधर देखिए आप YKC का मांझा, बहुत ही अच्छा मांझा है ये। काफ़ी क्वांटिटी में ये लोग जो है मटेरियल लेकर के आते हैं। क्लब काइट फाइटिंग का शौक भी अद्भुत है और बहुत अच्छा और बहुत सुकून देने वाला शौक होता है ये। आपका सारा दिन कैसे बीत जाता है आपको पता नहीं चलता है फ्रेंड्स, ये शौक बहुत ही सुकून देने वाला होता है। कानपुर वालों भाइयों, भाई आप अपने आलम भाई की पतंग देख लो, बहुत खूबसूरत पतंग बनाते हैं ये। और ये पतंग ये है, और इन पतंगों को दिल्ली में लड़ा रहे हैं हमारे माथुर जी। और क्या खूबसूरत पतंग है फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि कोड़ी वर्क भी बहुत अच्छा हो रखा है, और इनके पास डिब्बे के डिब्बे भरे पड़े हुए हैं। हम लोगों को तो मिलता नहीं, ना जाने कहाँ से क्या क्या जुगाड़ करके ये लोग इकट्ठे कर लेते हैं पतंग, एक से बढ़कर एक पतंग है भाई आपके पास। और कानपुर वाले जितने भी कानपुर के लोग हैं,
आप देख लीजिए, ये आलम भाई के हाथ की बनी हुई जेन्युइन पतंग है, कोई डुप्लीकेट नहीं। ये सारी, ये पूरा का पूरा बॉक्स भरा पड़ा हुआ है। ये देखिए, एक से बढ़कर नई पुरानी हर तरह की पतंग आपको मिल जाएगा, आलम भाई की हाथ की बनी हुई है। आलम की मेरे पास 15-20 साल पुरानी गुड़िया भी हैं। ओह माय गॉड, किसी दिन आपके घर आना पड़ेगा भाई। बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम, आप आइए। ये देखिए फ्रेंड्स, एक नई चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, नीम के पत्ते रखे गए हैं। मैंने आपको कई बार बताया ना कि नीम के पत्ते का बड़ा जबरदस्त रोल रहता है। ये देखिए, हमारे माथुर साहब ने जो है नीम के पत्ते में इनको कैसे संभाल करके रखा है। आप जयपुर की काइट दिखा रहे हैं आपको। ये उसकी है, इदू भाई की है। ये इदू भाई की पतंग, वाओ क्या बात है। ये देखिए, जयपुर की इदू भाई के हाथ की बनी हुई पतंग है। जयपुर वाले, अभी अभी आपने मकर संक्रांति मनाया 2 दिन पहले, और अब आप अपने यहाँ की पतंग देख लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी खूबसूरत पतंग है आपके पास। फ्रेंड्स, मैं दोनों प्लेयर का पोजीशन दिखाता हूँ। एक प्लेयर वहाँ पे खड़ा हुआ है और वो नीचे से लड़ा रहे हैं, और दूसरा प्लेयर जो है यहाँ से लड़ा रहे हैं, ये खड़े हुए हैं। तो पेच तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा, पेच बहुत दूर गया हुआ है, और कम से कम पेच ये 1200 मीटर पे है, तो दिखाई देगा नहीं। तो अभी आप देखिए कि इनका खींचने का जो है मोमेंटम जो है वो अभी आपको पता लग जाएगा कि कितना ज़बरदस्त खींचते हैं ये लोग। ये देखिए फ्रेंड, सही हो गया है, और देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है। और इनके आप हाथ को देखिए, जैसे ही मौका मिलता है ये तेज़ी से खींचते हैं और पीछे भागते हैं। दुनिया का अद्भुत खेल है, जिस खेल के अंदर पीछे भागा जाता है और पीछे भाग के लड़ाया जाता है। फ्रेंड्स, पूरी ताकत लगा दी जाती है, एड़ी चोटी का जोर लगाया जाता है इसमें जो है, एक मोहल्ले का दूसरे मोहल्ले के साथ। देखिए आप कहां से कहां तक आ गए ये, इन्होंने पेच काटा। अभी आप देखिए कि इनका अपने खींचने का जो स्पीड देखा, कितनी ज़बरदस्त थी। मतलब ये मेरे से टकराते टकराते बचे, और कम से कम इन्होंने 30 मीटर भाग करके तय किया। और मैं एक बात आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर किसी भी जो है उल्टा भागने की रेस हो 100 मीटर की, इसमें ज़रूर ओलंपिक में अगर ये तय किया जाए कि उल्टा भागने का भी एक जो है कंपटीशन होगा, तो उसमें जो है जितने भी पतंगबाज हैं वो लोग फर्स्ट आ जाएंगे, क्योंकि उल्टा भागने में ये सबसे तेज़ होते हैं। इस तरह से उल्टा भागते हुए आप पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी नहीं देखेंगे कि आदमी उल्टा भाग करके पतंग को लड़ाता है, या किसी भी स्पोर्ट्स में आप नहीं देखेंगे कि उल्टा भागा जाता है। देखिए ये फ्रेंड्स पेच लड़ रहा है, और बहुत ही अच्छा जो है गद्दा मार करके पेच काटा, ऊपर वाले ने पेच काट दिया। आप देख सकते हैं, बूम 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 करके जो है थपकी पड़ी उसके ऊपर, और वो पतंग कट करके जा रही है, झूमती हुई लहराती हुई जा रही है। तो अभी चलिए आपको दूसरा पेच भी दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, जहाँ से पतंगे लड़ रही है वो वहाँ से मैंने फुल जूम किया हुआ, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो सकता है। इससे ज़्यादा जूम करूँगा तो वीडियो में क्रैक आएगा। और मैं आपको बता दूं कि उस जगह से मैं तकरीबन 400 मीटर आगे आया हुआ हूं, और यहां से जो पतंग है 600 मीटर आगे जाकर के लड़ रहा है, यानी टोटल जो रेंज है 1000 मीटर का रेंज है फ्रेंड्स। और चलिए आपको फिर से एक पेच दिखाता हूं, फ्रेंड्स फिर से लड़ने जा रहा है। और देखिए क्या बढ़िया पेच काटा ऊपर वाले ने, ऊपर वाले पतंग ने बहुत ही अच्छा पेच काटा हुआ। देखिए फ्रेंड्स, वो पतंग झूमती हुई जा रही है, बहुत मस्त पेच काटा। यानी ऊपर से जो लड़ा रहा था वो राइट हैंड साइड पे था, और नीचे से लड़ाने वाले ने लेफ्ट हैंड साइड से लड़ाया था। बहुत बेहतरीन पेच काटा ये। देखिए फ्रेंड्स फिर से लड़ने जा रहा है, और जो राइट हैंड साइड से है वो नीचे से लड़ा रहा है और काफ़ी अंदर घुस गया है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर से लड़ा रहा है। अभी उसने पतंग डाउन नहीं करी थी, अब पतंग उसने डाउन करी है। और ये देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड का प्लेयर है वो ऊपर से लड़ा रहा है, राइट हैंड साइड वाला नीचे से लड़ा रहा है, और दोनों की सही हो चुकी है। और ये खींचा, ज़बरदस्त खींचा फ्रेंड्स, और ऊपर वाले ने पेच काट दिया, और ये अपनी पतंग बचा करके ले आया। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा पेच काटा, और वो पतंग देखिए कट करके जा रही है। देखिए फ्रेंड्स फिर से लड़ने जा रहा है, और जो राइट हैंड साइड का प्लेयर है वो नीचे से लड़ाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर से लड़ाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पतंग जो है ये वाला है जो ऊपर से लड़ रही है, और राइट हैंड साइड वाला जो है काफ़ी अंदर घुस चुका था, फिर वापस ला रहा अपनी पतंग। ऊपर वाले ने अब अपनी पतंग डाउन करी है, अब जा करके डाउन करी है, और
देखिए क्या होता है, नीचे वाला चढ़ा करके जो है थपकी मारा और बहुत ही अच्छा ऊपर वाले का पतंग काट दिया। ये ऊपर वाले की पतंग कट करके जा रही है, आप देख सकते हैं झूमती हुई डांस करती हुई जा रही है, और नीचे वाले ने पेच काट करके अपनी पतंग को आसमान में ऊपर चढ़ा लिया। वो देखिए फ्रेंड्स, उस जगह से पतंगें उड़ करके आ रही हैं, और यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से भी आगे दूर जा करके लड़ रही हैं, काफ़ी 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 दूर जा करके लड़ रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिर से लड़ने जा रहा है, जो राइट हैंड साइड का प्लेयर है वो नीचे चढ़ाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर चढ़ाएगा, और ये जो पतंग आप देख रहे हैं स्क्रीन के बिल्कुल बीचों बीच है, ये जो है राइट हैंड साइड छुड़ी हुई पतंग है, ये नीचे से लड़ रही है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला पतंग अभी जो ऊपर है उसने अभी पतंग डाउन नहीं किया, ये अब डाउन किया है जा करके। अभी देखिए क्या होता है, दोनों ही पतंग बहुत जानदार है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, चला तेजी के साथ खींच करके पूरा जो है ऊपर से गद्दा मार करके पेच काट दिया। आप देख सकते हैं नीचे वाले की पतंग कट गई और वो जा रही है कट करके, ऊपर वाले ने पतंग काट दी, वो स्क्रीन में आप देख सकते हैं वो नीचे वाले की पतंग जा रही है कट करके। बहुत ही जानदार पतंग है दोनों फ्रेंड्स, एकदम लोहा लट पतंग है। देखिए फ्रेंड्स, ये पेच लड़ने जा रहा है, जो सही हो चुका है राइट हैंड साइड का प्लेयर नीचे से लड़ा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर से लड़ा रहा है, और ऊपर वाला तसल्ली से लड़ाने की सोच रहा है, और नीचे वाला जो है उसकी पतंग बहुत ही ज़्यादा जानदार है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं। अब नीचे ऊपर वाले ने थोड़ा सा डाउन किया था, नीचे वाला बिल्कुल भी जगह नहीं दे रहा उसको, चला रुक गया। अभी भी देखिए एक पेज के अंदर कितना टाइम लग गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। पेज 1000 मीटर से शुरू हुआ था और 700 मीटर पे आ गया फ्रेंड्स, धीरे धीरे पेज छोटा होता चला जा रहा है। काट दिया फ्रेंड्स इसने पूरा एकदम गद्दा मार के काट दिया, और जो पतंग कटी है आसमान में मैं आपको बता दूं, वो देखिए वो जा रही है, इसने अपनी पतंग धीरे 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 छोटी कर ली, और छोटी करके जो है खड़ा गद्दा मार करके पेच काट दिया। वो देखिए फ्रेंड्स, पतंग जा रही है। काफ़ी डोरों से कटी है फ्रेंड्स, ऊपर वाले ने पतंग अपनी जो है इधर उधर टहला करके छोटी कर ली थी, फिर ऊपर से गद्दा मार दिया था। इस बर्ड को देखिए फ्रेंड्स, एक ही जगह उड़ रहा है ना, इसका मतलब इसने ज़मीन पर कोई चूहा वगैरह देख लिया है, और अभी ये डाइव मारेगा, जैसे इसकी जो है बिल्कुल एकदम निशाना सही बैठ जाएगा वैसे ही ये डाइव मार करके जो है जो चूहा या जो जानवर उसने देखा है उसको पकड़ लेगा। और वो देखिए फ्रेंड्स, वहाँ से पतंगे उड़ करके आसमान में आ रही है, अब देखिए इसने इस जगह जा करके जो है निशाना लगाने की कोशिश कर रहा है फ्रेंड्स। राइट हैंड साइड का प्लेयर है वो नीचे चढ़ाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर से लड़ाएगा। लेफ्ट हैंड साइड वाले ने अपनी पतंग यहाँ पर अभी चढ़ा रखी, इसने डाउन नहीं किया, अब डाउन करना शुरू किया है, और ये झोल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए दोनों पतंगों के अंदर आप चिराव देख सकते हैं। चला बहुत ज़बरदस्त, और काट दी नीचे वाले ने फ्रेंड्स इस बार पतंग काट दी। वो देखिए जा रही है झूमती हुई जा रही है, और नीचे वाले ने पतंग काटी, जिस पतंग ने काटा वो आसमान में ऊपर टंग गया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये निशाना साध रहा है किसी जानवर को पकड़ने के लिए, ये एक किस्म का बाज है, और बहुत एक्यूरेट जो है इसका निशाना, इसका वार जो है कभी खाली नहीं जाता। सामने देखिए सूरज अस्त होने वाला है, यानी शाम हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, फिर से लड़ने जा रहा है, जो राइट हैंड साइड वाला है नीचे से लड़ाएगा और लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर से लड़ाएगा, और सही हो चुकी है।
एनी टाइम एनी मोमेंट कुछ हो सकता है। और चला ऊपर वाला भी चला, नीचे वाले ने भीतर का मुड्डा फिर से खींच लिया, लेकिन ऊपर वाला इस बार खींच करके ले गया। नीचे वाले ने जो है भीतर का मुड्डा खींचा तो था, लेकिन थोड़ा सा खड़ा खींच दिया था, और चपटा खींचता तो शायद काट देता, लेकिन ऊपर वाले के पास मौका अच्छा था, उसने पेच काट दिया। बहुत बढ़िया पेच काटा फ्रेंड्स, इसको कहते हैं मौका देख के चौका मारना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपना खाना ढूंढने के चक्कर में लग रहा है, और जैसे ही उसको ऊपर से कोई चूहा या गिलहरी या आपका कोई भी दूसरा जानवर नज़र आ जाता है, ऊपर से डाइव मार देता है। ये इसकी डाइव इतनी एक्यूरेट होती है फ्रेंड्स, इसका निशाना कभी भी खाली नहीं जाता। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से लड़ने जा रहा है, और नीचे वाला राइट हैंड साइड से लड़ रहा है, ऊपर वाला लेफ्ट हैंड साइड से। नीचे वाले ने जो है कितना बढ़िया नीचे वाले ने डोर लगाया, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि ऊपर से लोड डोर लगाते हुए तो बहुतों को देखा है, लेकिन नीचे से डोर लगाते हुए मैंने पहली बार देखा। पहली बार तो नहीं, कई बार देखा है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है फ्रेंड्स। नीचे वाले ने बहुत 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 ही अच्छा पेच काटा फ्रेंड्स। इसमें नीचे से डोर लगाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। और देखिए डोर लगा के काट दिया, वो पतंग झूमती हुई जा रही है, और वो पतंग आसमान में चढ़ गई। देखिए फ्रेंड्स, फिर से पेच लड़ने जा रहा है, जो नीचे वाला है यानी ये वाला जो पतंग है स्क्रीन के बीचों बीच, ये नीचे से लड़ाएगा, और ऊपर से लड़ाने वाले की पतंग अप डाउन हुई है, और नीचे वाले ने फिर भीतर का खींचा, और कितना बढ़िया मैं बता सकता हूँ कि फ्रेंड, ये जो ऊपर से लड़ाने वाले हैं ना, इनको शायद पेच समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन पेच काट दिया फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं। और ऊपर वाले ने देखिए अपनी पतंग आसमान में चढ़ा ली काट करके, नीचे वाले ने पेच काट दिया। बहुत ही मस्त पेच था फ्रेंड्स, ये भी पेच बहुत रेयर था पिछले वाले पेच की तरह। आप देख सकते हैं मोमबत्तियाँ जल चुकी है, आई एम सॉरी मोमबत्तियाँ नहीं, स्ट्रीट लाइट जल चुकी है, और स्ट्रीट लाइट जल चुकी है। अब जो है कुछ ही पेच लड़ पाएंगे फ्रेंड्स, ज़्यादा पेच नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि अभी स्ट्रीट लाइट जल चुकी है, और मैं इनको गलती से मोमबत्तियाँ कह दिया था। देखिए फ्रेंड्स, फिर से लड़ने जा रहा है, और जो राइट हैंड साइड का प्लेयर है, इसने तीन पेच काट रखा है, और पहला पेच तो इसने जो है खींच के काटा था, दूसरा डोर लगा दिया था, और तीसरा पेच भी बहुत ही अच्छा काटा था फ्रेंड्स। जोरों का झटका धीरे से लगे, या धीरे से झटका जोरों से लगे, मतलब सही हो चुका है। और राइट हैंड साइड का प्लेयर है, नीचे से लड़ा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर से लड़ा रहा है, और अभी देखिए क्या होता है। नीचे वाले ने तीन पेच काट रखा है, चला ऊपर से लड़ाने वाले ने, नीचे वाले ने जो है ओहो, इस बार जो है ऊपर वाले ने बहुत ही बढ़िया गद्दा मार के पेच काट दिया। आप देख सकते हैं वो पतंग जा रही है, बहुत बढ़िया गद्दा मार करके पेच काटा, मज़ा आ गया देख करके, बहुत ही मस्त पेच था फ्रेंड्स। वो देखिए पतंग झूमती हुई जा रही है, देखिए फ्रेंड्स फिर से लड़ने जा रहा है, और नीचे वाला जो है राइट हैंड साइड से लड़ा रहा है, ऊपर वाला लेफ्ट हैंड साइड से लड़ा रहा है, और ये सही हो गया है शायद, लेकिन ऊपर वाला भी पतंग अपना डाउन नहीं कर रहा है, अब डाउन किया है थोड़ा सा। एक पतंग स्क्रीन के एक कोने पे, दूसरी पतंग दूसरे कोने पे है, नहीं इन्होंने दोनों ने बहुत ही ज़बरदस्त झोल पकड़ रखा था, लेकिन अभी जो है झोल बचा लिया गया है। काफ़ी तेज़ी के साथ अंदर घुसा है नीचे वाला, ऊपर वाला भी बहुत मेहनत कर रहा है, कट गया नीचे वाले का पेच फ्रेंड्स, डोर लग गई, ऊपर वाले नीचे डाउन ही किया था उसी टाइम ही डोर लग गई, और वो पतंग देखिए कट करके जा रही है। देखिए फ्रेंड्स, फिर से पेच लड़ने जा रहा है, और ये जो पतंग है ये स्क्रीन के बीचों बीच, ये नीचे से लड़ाएगा, और ऊपर वाला पतंग जो है अभी डाउन नहीं किया, वो पतंग ऊपर वाला है अब ये डाउन करने लगा है, तो अभी तक सही हुआ नहीं है, शायद अब सही हो गया है, और सही की आवाज़ आई है, अभी अभी सही की आवाज़ आई है। बहुत ज़ोर चिल्लाते हैं ये लोग, इतनी तेज़ चिल्लाते हैं कि जैसे कोई नेता भाषण दे रहा है। क्या काटा नीचे वाले ने, बहुत ही बढ़िया पेच काटा है फ्रेंड्स, और वो पतंग देखिए जा रही है झूमती हुई, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वो पतंग कैसे जा रही है लहराती हुई, फटाफट निकल रही अपनी मंजिल को।
और उसको कहीं ना कहीं बच्चे लूटेंगे और फिर जो है ला करके बेच देते हैं यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट लड़ने जा रहा है, लास्ट पेच है ये, और सही हो गया। कट गया नीचे से लड़ाने वाले का, ऊपर वाले ने बहुत ही बढ़िया गद्दा मार दिया और आप देख सकते हैं वो पतंग जा रही है कट करके। और जो आगे तीसरी पतंग है उसको बच्चों ने पकड़ रखा, उसको उतार रहे हैं बच्चे। अब ये भी पतंग वहीं पे ही पहुंच जाएगी, इसको भी बच्चे लोग पकड़ लेंगे। देखिए कैसे मस्त जा रहा है बिल्कुल एकदम। अच्छा तो फ्रेंड्स, अब मैं ये वीडियो बंद करूंगा। मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मेरे चैनल का नाम है काइट फ्लायर सोमेन घोष, यही नाम है फ्रेंड्स। और पतंग उड़ाना, मज़े करना, यही हमारा काम है फ्रेंड्स। तो चलिए, बहुत जल्दी हम आपको अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए एक पंच यानी बाय।